तरह ऐसा मुद्दा है जो छुपाया जा रहा है, लेकिन जो छात्र एग्जाम देकर के आए, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, उन लोग बतला रहे हैं। एक दोस्त मेरा जिसका गुंडू जेबियर स्कूल में दिया हुआ था, संत जेबियर स्कूल में, वहां से जब फर्स्ट पेपर के एग्जाम, सॉरी नागपुरी के एग्जाम देकर के निकला, वो बतलाया कि देखो ऐसा ऐसा धांधा, वहाँ 350 स्टूडेंट का ओएमआर सीट गायब था। ओएमआर सीट कहाँ गया था? जब वहाँ बोला गया कि ओएमआर सीट, तब क्या किया, जब वहाँ हल्ला मचाया स्टूडेंट, तो वही अब्सेंट 350 स्टूडेंट अब्सेंट था, उस अब्सेंट वाला ओएमआर सीट को उस स्टूडेंट को दिया गया ताकि शांत हो जाए, है ना। मोबाइल वहाँ नहीं चल रहा था, एक दूसरे से संपर्क नहीं हो पा रहा था, तो ये सब धांधली नहीं तो क्या है। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि प्लीज इस तरह के धांधली को बंद कर दीजिए, स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ को बंद कीजिए, स्टूडेंट के भावनाओं को समझिए, स्टूडेंट के गार्जियन की भावनाओं को समझिए। कितने हमदर्द से गार्जियन रांची में रह करके, कहाँ कहाँ से लोग स्टूडेंट, गांव देहात से लोग आ करके गार्जियन जो यहाँ पढ़ा रहे हैं, कितनी मुशक्कत के साथ, कितनी मेहनत के साथ, और वो मेहनत के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है, जैसे सी अध्यक्ष खिलवाड़ कर रही है। बस हम स्टूडेंट का यही मांग है कि ये सारे एग्जाम को रद्द करते हुए सही तरीके से आप एग्जाम कंडक्ट करा दीजिए। हेमंत सोरेन जी, अगर एग्जाम सही से कंडक्ट कराइएगा, हम सभी युवाओं आपके साथ है, 2024 में भी आपको हम लोग जिताएंगे 2024 में। और अगर एग्जाम अगर सही से नहीं हुआ, तो यही हम सब छात्र है, यही सब हमें युवा है कि गारंटी के साथ देते हैं, आने वाले इस 2000 चुनाव में आपको भुगतना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। जब जब छात्र बोलेगा, सिंहासन को लेगा, अब सरकार आया, अब सरकार आया। सोनिया जिसकी अम्मी है वो सरकार निकम्मी है, सोनिया जिसकी अम्मी ये आक्रोश संभवतः जेन्युइन है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज राज्य सरकार का पुतला दहन कर रही है। कल जो जेसीसी का परीक्षा रद्द हुआ सीसीएल का, उसमें पूरी तरह से स्पष्ट नजर आ रहा है कि सरकार पैसा लेकर के या किसी न किसी लालच में आकर के सीट को बेचने का कार्य कर रही है। जो आरोप अब तक सरकार पर लगते हैं, पूरी तरह से जनता के सामने सिद्ध नजर आ रहे हैं। कल एग्जाम लिख करके जब अभ्यर्थी परीक्षा लिखने वाले छात्र जब घर पहुंचते, तो उनको मालूम चलता है कि एग्जाम रद्द कर दिया जा रहा है। आप सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में इतने दूर दूर पर सेंटर तय कर रहे हैं, और उसके बाद बच्चों को बता रहे हैं कि एग्जाम तय कैंसिल हो जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं राज्य सरकार की लापरवाही है। राज्य सरकार पीछे विधानसभा सत्र में एक विधेयक लाई थी कि जिसमें यह तय हुआ था कि अगर किसी भी तरह की गड़बड़ी होती है जेएससीसी के एग्जाम में, तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप जिस कंपनी को एजेंसी दिए, वो कंपनी बाहर में बैन है। देख लिया है, देखेंगे मैं कितना दमन में तेरे, देख लिया है, देखेंगे हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में आओ। इंस्पायर करता, मोटिवेट करता, बोलता कि पढ़ो लिखो, नौकरी मिलेगा, अच्छे जगह में जाओगे। लेकिन मैं उन आने वाले अपकमिंग जनरेशन को क्या संदेश दूंगा, आप ही बताइए। छात्रों तक पेपर पहुंचा, आंसर शीट पहुंचा, छात्रों का भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद किया जाए, इसी मांग को लेकर के आज आक्रोश है। ये चेतावनी है झारखंड सरकार को, अगुवाई दी जा रही है एक पुतला दहन के माध्यम से रांची के फिराहलाल चौक पर, कि अब भी वक्त है, आप छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद कीजिए, अन्यथा पूरे प्रदेश भर में इससे भारी आक्रोश और आंदोलन आपको लोगों को देखने को मिलेगा। छात्र हितों का जब जब हनन होगा, हम लोग खड़ा रहेंगे। विद्यार्थी परिषद हमेशा छात्र हितों की लड़ाई लड़ते रही है। शाश्वती समेत शिखर जी की वरदानी छांव तले मधुबन में परम पूज्य शंकर समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रणेता मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी की पावन प्रेरणा एवं परिकल्पना के अनुसार निर्मित किया जा रहा है एक अद्वितीय एवं अद्भुत मंदिर गुणायतन। पंचायतन शैली में बने इस कलात्मक मंदिर के अनोखे अनुभव केंद्र में नवीनतम तकनीक 4DX एवं 11D इफेक्ट्स के साथ 270 डिग्री स्क्रीन के माध्यम से कराया जाएगा आत्मा से परमात्मा का दिग्दर्शन। आप भी अपने परिवार एवं इष्ट मित्रों के साथ पधारकर करें इस अद्भुत कार्य योजना का अवलोकन। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक गुणायतन एवं श्री सेवायतन परिवार।